वेलकम चैम्पियंस, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियंस। तो हमारी इवेंट क्विस्ट की सारी फाइटें कंप्लीट हो चुकी हैं और अब एक्ट की वीडियो आएंगी। मैंने 8.3 और 8.2 100% एक्सप्लोर कर दिया है, अब 8.1 एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी वीडियो आती रहेंगी। और इसमें जो मैं पाथ लेने वाला हूँ 8.1 में, तो इसमें हमको लेके जाने हैं मिस्टिक चैम्पियन। तो मिस्टिक चैम्पियन डूम, एबीएस मैन, हुड, जगरनॉट और स्पाइडरमैन सुप्रीम को मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे मिस्टिक चैम्पियंस को ही फ्यूरी मिलेगी और मिस्टिक चैम्पियन का ही अटैक रेटिंग थोड़ी ज़्यादा है। और पहली फाइट हमारी एक रेड गोब्लिन के साथ है, तो मैं उसके लिए डूम लेके जा रहा हूँ। ये मैंने फ़ाइट थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है ताकि आप सब बोर ना हो जाओ, क्योंकि ना वैसे लंबी लंबी फाइटें निकल जाती हैं फिर ये तो। और ये हमने बस स्टैगर लगाया पावर गेन। और हाँ, इसमें एक और नोड है कि ना जब भी आप हैवी चार्ज करोगे तो आपको पावर गेन भी होएगी। जब भी आप हैवी चार्ज करोगे ना, मिस्टिक चैम्पियन लाके हैवी चार्ज करोगे तब भी आपको पावर गेन कर होगी। और इसमें सबसे बेस्ट रहेगा डूम, क्योंकि ना डूम की ना SP3 रोटेशन जब भी आप मारोगे तो बहुत हेल्प करेगी वो इस पाथ में। मतलब रोटेशन SP3 का ही मारते रहो और जल्दी जल्दी फाइटें सारी कंप्लीट होती रहेंगी। ये देखो, मेरे को SP3 मैंने मारा था और ये SP3 मेरा दोबारा बन गया। ये देखूंगा मैं हैवी कॉम्बो के एंड के बाद ये दिया हैवी और ये हो गया आपको SP3 पे दोबारा। और दोबारा हमने SP3 छोड़ा और अब मारेंगे SP3 वाला रोटेशन। ये मारा बना SP1, ये हमने मारा SP2 पे आगे। अब हम बस वैसे ही SP3 वाले रोटेशन मारते रहो। अगर पावर गेन आपके पास नहीं हुई ना, गलती से मतलब रहा कि आप SP1 या SP2 पे भी, तो ना क्या नाम है, हैवी चार्ज कर लो, जिसकी वजह से ना आपको पावर गेन होती रहेगी। और लो, ये फाइट खत्म हो गई हमारी। अब अगली फाइट पे चलते हैं, अगली फाइट देखते हैं किस भी हमारे साथ। हमारी अगली फाइट है सिल्वर सेंचुरियन के साथ, तो इसके लिए मैं जगरनॉट लाया हूँ। जगरनॉट, और हाँ, इसमें एक मेरे ख्याल से ना नोड ये भी है कि अगर आपने इसको, मतलब जो ये ब्लैक कलर का टाइमर चल रहा है ना, अगर इसको टाइमर के चलते चलते अगर आपने इसको हिट नहीं किया तो मेरे ख्याल से आपको डीजन लगेगा या फिर आप रूट हो जाओगे। इन दो चीज़ों में से ना या फिर एक होगा, मेरे को पता नहीं है यार, लेकिन ये देखो, हाँ, रूट हो जाओगे। जैसे आपने कोई हिट नहीं किया ना तो आप रूट हो जाओगे, ये जैसे ये टाइमर चलेगा, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना और टाइमिंग के हिसाब से खेलना फाइट, और पावर गेन की टेंशन मत लेना, हैवी चार्ज कर लेना। और वैसे आपको बेसिक हिट जब मारोगे तब भी पावर गेन होएगी और हैवी चार्ज करोगे तब भी पावर गेन करेगी, लेकिन बस ये मिस्टिक चैम्पियंस को करेगी। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने इसको SP3 पे पहुँचा दिया। लो, ये एक गलती होगी वैसे यार, और ये SP3 इसने छोड़ भी दिया अपना, बताओ। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट ख़त्म होऊंगा अगला चैम्पियन। और भाई वो फाइट ना पूरी रिकॉर्ड समझ ही लेना, मैंने फाइट वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ना यार उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई ना, वो फाइट रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और फिर मैं ये टैरेक्स के साथ हमारी फाइट है, इसके लिए तो आपको पता है ABS मैन द बेस्ट ऑप्शन फॉर टैरेक्स। और इसके लिए SP2 में बार बार मैग्मा फॉर्म पे जाओ और चार्जेस गेन करो। मैं 600 चार्ज बन भी गए बातों बातों में, और बस अब मैं SP2 पे जाके मारूंगा और ख़त्म है फाइट, बताओ। इंटरनेट इम्यून चैंपियंस जो ना हो ना सामने वाला, क्या डैमेज देता भाई ABS मैन। ये फाइट तो चुटकियों में निपटाएगा ABS मैन, चुटकियों में भाई। बस बीच में ना थोड़ी बहुत लैग हो रही है, जिसकी वजह से मेरे को मार पड़ रही है। लो भाई साहब, डैमेज देख लो, कितना तगड़ा डैमेज पड़ा है यार, कितना तगड़ा डैमेज है यार ABS मैन भाई, कितना तगड़ा है भाई यार। शुक्र भाई मेरे को मिल गया, मैंने इसको सीधा रैंक 4 किया था। इसकी लेवल अप वीडियो भी आपको अगर मेरे पास मैंने डाल दिया वैसे, अगर चाहिए तो बता देना। और बल वैसे भी तगड़े तगड़े लेवल अप करे हैं मैंने अभी बुल्स आई को और चैटली को, और मैंने निमरोड भी जो मेरे को मिला था, और स्कॉर्पियन को रैंक 5 मैक्स भी कर दिया। मैंने ऑनस्लॉट को भी रैंक 4 मैक्स कर दिया है, और कुछ आला को भी रैंक 4 डालूंगा, और निक फ्यूरी को भी रैंक 5 डालने वाला हूं मैं। अगले लेवल अप वीडियो बहुत तगड़ी आएगी। और ये हमारी फाइट थी केबल के साथ, केबल पे भी वही है, मैं सिंपल सूँ डूम की ना SP3 वाली रोटेशन ही मारता रहूँगा जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। और अगर पावर गेन की कमी हुई तो हैवी गेन, मतलब क्या नाम है, हैवी होल्ड करो तब भी आपको पावर गेन होती रहेगी। देखो मैं दोबारा SP3 पे पहुँच गया, और ये देखो भाई डूम, अगर आपके पास 5-स्टार का भी है ना, तो ये पूरा पाथ आप 5-स्टार के डूम से अकेले देख लोगे यार, और कोई चैम्पियन की ज़रूरत है ही नहीं। चाहे सिल्वर सेंचुरियन पे मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ना सिल्वर सेंचुरियन जो मतलब मेरे ख्याल सोक इम्यून है, सिल्वर सेंचुरियन सोक इम्यून है, तो उस पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है मेरे ख्याल से। तो उसके लिए तो मिस्टिक चैम्पियन को ढंग का ही लेके आना। अगली फाइट पर चलते हैं, अगली फाइट हमारे CGR के साथ है। CGR ब्लीड इम्यून है और इंसर्नेट इम्यून है, लेकिन सोक इम्यून नहीं है, तो फिर डूम से मैं फाइट कर सकता हूँ ये। और इसमें वही है, सिंपल डूम है भाई, मैं कह रहा हूँ डूम ले आऊँ 5-स्टार का भी, अगर आपके पास है तो आराम से फाइट कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा मेरा डूम भाई असरसेंड है और रैंक 4 मैक्स है, और SP3 की रोटेशन ही मैं मारता रहूँगा बार बार, और ये ख़त्म है फाइट। CGR भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा CGR भी। बस इसको थोड़ा ना उसका ध्यान रखना अपनी रोटेशन का, अगर रोटेशन बीच में ख़राब होगी ना तो तगड़ा डैमेज पड़ सकता है आपको,
रोटेशन का बिल्कुल ध्यान रखना भाई, रोटेशन खराब मत होने देना। ये मारूंगा मैं अब हैवी कॉम्बो के बाद, ये मारा और SP3 हमने छोड़ा, और पर देखो SP3 का रोटेशन पड़ेगा अब इसको। हम ये SP3 में पहुंच गए, टेंशन मत लेना, आपको तो पता है डूम कैसे पावर कंट्रोल करता है, पावर गेन करता है, अनब्लॉकेबल मारता है, और फिर कैसे फ्यूरी गेन होती है इसको। भाई साहब बेस्ट है डूम इस पूरे पाथ के लिए, 8.1 के लिए। और बॉस मैंने इसमें ना लिया है, देखते हैं कौन सा बॉस लूँगा मैं अभी। मैंने ख्याल से ना मैं स्टेरीफाई को लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ना वो ईजी रहेगा और उसमें ज़्यादा दिक्कत वाले नोट्स भी नहीं है, तो उसमें पहले बॉस की बाद में बात करेंगे, पहले हम कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं। सैम विल्सन की फाइट है हमारे साथ, तो ना मैं इसके ABS मैन को लेके आया था ब्लैक उरू के फॉर्म के साथ, लेकिन ना ब्लैक उरू की फॉर्म इतनी काम नहीं आएगी। मैं बताता हूँ आप ना सिल्वर, अगर आपके पास ABS मैन है और ABS मैन आप लेके आओ इस बात के लिए, तो कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के लिए तो आप भाई इसकी मैग्मा फॉर्म ऑन करके आना, इसके ना मतलब ब्लैक उरू फॉर्म ऑन मत करके आना, इसकी मैग्मा फॉर्म ऑन करके आना, क्योंकि मैग्मा फॉर्म ने काम करेगी, मैग्मा फॉर्म काम करेगी ABS मैन की। और देखो यार SP2 पे पहुंच गया है, बस SP2 छुड़वाओ। देखिए हमने डेक्स, देखिए हमको रैप्चर मिला है, और भाई मैं कह रहा हूँ ABS मैन की ना, मैं तो SP1 पे ही रखा था, SP1 भी काम कर रहा है इसका, इसकी ब्लैक उरू फॉर्म भी काम कर रही है, लेकिन इतनी काम नहीं कर रही है। लेकिन जब मैंने इसको SP2 पे मतलब मैंने जब मैग्मा फॉर्म से खेली ना ये फाइट, भाई मैग्मा फॉर्म ने बहुत तगड़ा काम किया। जैसे टायरेक्स को डैमेज मिलता है ना, वैसे ही मैग्मा फॉर्म में इसको डैमेज मिल रहा था। देखो ये मैग्मा फॉर्म बहुत काम किया, मैं तो बस अनब्लॉकेबल नहीं हुआ, इसने ऑटो ब्लॉक कर लिया, तभी इतना डैमेज पड़ गया मेरे को। लो बस ये हैवी के साथ दूंगा और ख़त्म फाइट, ख़त्म। मैग्मा फॉर्म काम करेगी, तो इसके लिए अगर ABS मैन लाओ तो मैग्मा फॉर्म ऑन करके लाना। और तीनों बॉस मैंने कंप्लीट कर दिए, तो हम स्टेरीफाई बॉस को ले रहा हूँ मैं, रेड स्कल को भी हुड को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं स्टेरीफाई के इसके हल्के हल्के उरी चेंज करके लाया हूँ, हरक्यूलीज और क्या नाम है, और ह्यूमन टॉर्च भी लाया था, लेकिन ह्यूमन टॉर्च बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले हरक्यूलीज से ये करते हैं। तो ना इस बॉस पे नोट्स कुछ ऐसे हैं कि आपको जब भी इसको हिट करोगे रप्चर मिलेगा, और आप जैसे ही पावर गेन करोगे तो 1% आपकी पावर ड्रेन होती रहेगी, और ये बार बार जाएगा फेज में स्टेरीफाई। तो आपको ट्रू सेंस वाला चैंपियन ज़रूर चाहिए। मैंने SP1 मारा, मैं SP जब अपना SP2 छोड़ेगा तो मैं SP2 वाली रोटेशन मारूंगा। अब मैं इंटरसेप्ट पे SP2 छोड़ूंगा और उसको मिलेगा तगड़ा डैमेज मिलेगा, देखना भी। ये थोड़ा SP2, और एक ये भी है कि ना ये ग्लांस भी कर रहा है, अटैक ग्लास भी कर रहा है, और ये फेज में जाएगा। तो ट्रू सेंस हरक्यूलीज, अगर हरक्यूलीज लाओगे तो ट्रू सेंस अपने ऊपर रखना है। देखो अगर ये फेज में गया ना तो इसको फेज में मत मारना, और इसका डैमेज रेटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर गलती से इसका SP1 या SP2 आपको पड़ गया ना, SP1 में तो मेरे ख्याल से बच जाओगे, लेकिन गलती से इसका SP2 पड़ गया ना, तो भाई 1-2% पे ला के छोड़ देगा ये आपको। अगर हरक्यूलीज नहीं है ना, तो फिर मैं तो फेम फॉर्म में चला जाऊँगा इसके वो वाली इमोर्टलिटी वाली, वरना तो बहुत तगड़ा डैमेज पड़ेगा, ध्यान से खेलना। और ट्रू सेंस वाले चैंपियंस बहुत तगड़ा काम करेंगे इसमें, और ध्यान से खेलना। अगर ट्रू सेंस वाला चैंपियन नहीं है तो फिर कोई ऐसा चैंपियन, और उसको फेज में मत मारना, और इसके SP2 स्पैम करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। लो हम आ रही है हरक्यूलीज से, मैं हरक्यूलीज से मैंने सोलो कर दी फाइट, और स्टेरीफाई बॉस इजी है इस 8.1.1 के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस पाथ की 8.1 पाथ चैप्टर की मैं वीडियो लाता रहूँगा। और ये इसके रिवॉर्ड्स हैं, यही रिवॉर्ड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, बाय।